हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, फंटास्टिक, वेरी गुड। हम बात कर रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के बारे में, और लास्ट जो हमने बात की थी हाउ टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। ठीक है, एक ग्राउंडिंग सेल, उसके अंदर कैसे अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं, वो सारी बात अपने क्लासरूम में की थी अच्छे से। पहले वो वाला वीडियो वॉच करें, फिर इस वीडियो पर आए। ठीक है, तो हमने कहा था कि किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन मेजर कर सकते हैं कब, जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो और टेम्परेचर 298 डिग्री कैल्विन हो। ठीक है, तो इज अ स्टैंडर्ड कंडीशन, वो कहते हैं एक स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर किया था। बट एक साइंटिस्ट था, नॉन्स्ट नॉन्स्ट, उसने कहा कि अगर ये कंडीशन नहीं हो तो कुछ और कंडीशन है। मान लो अगर अपन सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन है कुछ और लें, जरूरी नहीं कि 1 मोलर ले हर बार, 1 मोलर लेना पॉसिबल नहीं है, है ना? कंसंट्रेशन है वो कोई हो सकती है, 2 मोलर, 3 मोलर, 4 मोलर, वॉट एवर। ठीक है, तो उन कंडीशन में इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी, सेल का जो ऑल ओवर पोटेंशियल वैल्यू वो क्या होगा, राइट? तो उसके लिए, उसको फाइंड करने के लिए नॉन्स्टिक इक्वेशन दी। नॉन्स्टिक इक्वेशन कहते हैं, रेडी बड़ी इक्वेशन याद करनी है आपको। ठीक है, टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ सेल एट एनी कंसंट्रेशन, नॉन्स्ट गिव एन इक्वेशन कॉल्ड नॉन्स्ट इक्वेशन। क्या बोलते अपन, नॉन्स क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर वही है 298 डिग्री केल्विन, टेम्परेचर इज इक्वल टू व्हाट, 298 डिग्री केल्विन, मतलब टेम्परेचर वही रखा लेकिन जो कंसंट्रेशन है वो सेल की वो चेंज कर दी, राइट? सपोज कोई भी सेल अपन मान लेते हैं, कोई हाफ सेल है वो एम से एम प्लस में चेंज हो रहा है। ठीक है, सॉलिड से एक्वस में जा रहा है, तो इसके लिए आपको इक्वेशन लिखनी है। तो उसने कहा था कि जो ई सेल होता है, ई सेल वो इज इक्वल टू होता है ई नॉट ऑफ सेल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, एल एन मीन्स लॉग वैल्यू है, एन वैल्यू है। ठीक है, नेचुरल लॉग अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल एट सॉलिड फेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ मेटल एज एक्वस, इस कंडीशन में। तो ये कुछ एक ऐसी इक्वेशन देती है उसने, इसको अपन नॉन्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। और जब कंसंट्रेशन सॉलिड फेज में होती है देन अपन उसको वन मानते हैं, व्हेन कंसंट्रेशन इज सॉलिड देन इट इज वन, या आप क्या मानते हो उसको, वन मानते हैं। कुल मिला के यहाँ पर आप वन मान सकते हो। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या होगा, ये क्वेश्चन बन जाएगी आपके, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन वन अपॉन एम प्लस एक्वस। ठीक है, तो ये जो नीचे आ रखा है, ये क्या, एक तरह का जो भी चार्ज में चेंज हो रहा है मेटल आयन के, उसका वैल्यू है, उसका कंसंट्रेशन है उसका। ठीक है, अब यहां पर देखो, हियर ई नॉट सेल क्या है, इट इज इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एट स्टैंड कंडीशन, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी कि कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, 1 मोलर। ओके, और आर क्या है, आर यहां पर एक गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर मोल कैल्विन। ठीक है, एफ क्या है, एफ है इट इज फैराडे कांस्टेंट,
इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6487 कूलाम पर मोल। तो इसको अपन अप्रोक्सीमेट 96500 भी लिखते हैं, कूलाम पर मोल, राइट। तो यह क्या, एक तरह से 1 मोल में जो चार्ज होता है उसका चार्ज वैल्यू है। 1 मोल चार्ज वैल्यू कितना है, दैट इज 96.7। एक्यूरेट है, बट अपन उसको ये लिखते हैं 96500 कूलाम पर मोल, ठीक है। और एन के यहाँ पर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, यानी कि कुछ मेटल ने किस इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन दिए और किसने लिए, कितने लिए, ठीक है। जो भी एक्सचेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, नंबर ऑफ कितना है, एन है, राइट। तो ये पूरी एक इक्वेशन है, नॉन्स्ट क्वेश्चन। अब इसको मैं एनॉड और कैथोड दोनों के लिख रहा हूँ मैं, इसको वर्क करो अभी, इतना उतारो डाउट पर आप। डन, ओके, नेक्स्ट। ये जो इक्वेशन है, अब एनोड और कैथोड दोनों के लिए लिखनी है। अच्छा, इक्वेशन क्या थी अपनी? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन 1 अपॉन एम प्लस। ये इक्वेशन थी, ठीक है, ये इक्वेशन थी। अभी थोड़ा इसको सॉर्ट कर, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। ई सेल सारी वैल्यू पुट करके, ई नॉट सेल माइनस आर की वैल्यू कितनी होती है? अच्छा, लॉग एन को अपन ने नेचुरल लॉग से अपन लॉग बेस 10 में चेंज करके आता है, तो फिर उसके लिए अपन 2.303 से मल्टीपल करते हैं। आर की वैल्यू कितनी है? 8.314। टेम्परेचर 298। अपॉन एन पता नहीं कितना है, एफ यहाँ पर है 96500, ठीक है। अब ये हो गया लॉग बेस 10 1 अपॉन m+ एक्सपोनेंशियल, क्लियर। अब ये जो सारे टर्म्स हैं इनको अपन सॉल्व करते हैं। तो क्या वैल्यू आती है? 0.059 अपॉन n। थोड़ा इजी हो जाएगा, इतना बड़ा लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए अपन थोड़ा इसको इजी कर दिया, ठीक है। अब यह एक्वस अंडरस्टूड है ना, तो बाबा बन सकना सही नहीं होता। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन बनती है नॉन्स्ट क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्म हो गया, ये एक नॉन्स्ट क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्म हो गया। थोड़ा सॉल्व कर दिया इसको आज, ठीक है। फॉर एनॉड, अब एनॉड में क्या होता है कि कोई मेटल है, सपोज अपन जिंक का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। जिंक है वो Zn2+ में जा रहा है सॉलिड से एक्वस में, प्लस। अब जो कंसिडरेशन है पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, राइट। अब इसके लिए लिखो ये इक्वेशन और एक फॉर कैथोड। अपन एग्जाम्पल ले रहा है Cu2+ से जा रहा है Cu एक्वस से सॉलिड। अब इन दोनों के लिए आपको ये अलग अलग नॉन्स्ट क्वेश्चन लिखनी है, ठीक है। तो पहले मैं इसके लिख रहा हूँ, फिर इसके लिख रहा हूँ, राइट। ई सेल इज इक्वल टू व्हाट? ई नॉट सेल माइनस 0.59 अपॉन एन। अब यहाँ पर एन कितना वैल्यू है? 2 है ना, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो यू कैन राइट है 2, ठीक है। और लॉग बेस 10 1 अपॉन Zn2+ एक्वस अंडरस्टूड है, ओके। और यहाँ पर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.59 अपॉन, यहाँ पर 2 का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, लॉग बेस 10 1 अपॉन Cu2+। जो भी चार्ज आयंस होता है वो नीचे आता है, उससे कंसेंट्रेशन क्या नीचे आता है। काफ़ी बुक्स में ऊपर लिखा होता है, कोई बात नहीं। अगर आप इस आयन को ऊपर लिखते हो तो यहाँ प्लस रहेगा, है ना, बात वही रहेगी, ठीक है। यहाँ पर ये अगर इस चार्ज को ऊपर रखते हो तो आप यहाँ प्लस रखोगे, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ बुक्स में चार्ज को ऊपर लिखा होता है तो यहाँ प्लस क्या होता है, तो बात वही है ना। अपन चल रहे हैं NCERT अकॉर्डिंग, NCERT में नीचे लिखा हुआ है, तो इट मीन्स अपन उस अकॉर्डिंग चल रहे हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन बनोगे,
और ये क्वेश्चन टू है ना। अब इन दोनों सेल को अटैच करते हैं, अटैच करने पर ऑल ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनती है इन दोनों की? हम जानते हैं कि ई सेल क्या होता है, दैट इज कैथोड माइनस एनोड, ये होता है ना। कैथोड कौन है इसमें? कॉपर वाला है। सी टू प्लस सी यू माइनस ई ऑफ जिंक, जलन से जलन टू प्लस, ठीक है। कैथोड में से एनोड माइनस करते हैं, ये बनता है कैथोड, ये बनता है एनोड। अब इन दोनों का आपको माइनस करना है, ई सेल की बात कर रहा हूँ, नॉट ई नॉट सेल, राइट। तो वैल्यू पुट करिए, ऑल ओवर ई सेल क्या आता है, इसकी वैल्यू क्या है? ई नॉट सेल माइनस 0.059, 0.059, इधर भी 0.059, सॉरी, ठीक है, 0.059 अपॉन टू लॉग बेस 10 वन अपॉन सी ओ टू प्लस। इसमें से माइनस करना है ये वाला टर्म पूरा, राइट। तो क्या बनेगा? ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन टू लॉग बेस 10 वन अपॉन जिंक टू प्लस। क्लियर? डाउट सॉल्व करो। ई सेल इज इक्वल टू, अच्छा अब इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन टू लॉग बेस 10 वन अपॉन सी ओ टू प्लस माइनस ई नॉट सेल प्लस 0.059 अपॉन टू लॉग बेस 10 वन अपॉन जिंक टू प्लस, ठीक है। कुछ नहीं किया यहाँ से, माइनस वाला ले लिया मैंने, राइट। या फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, पर प्लस हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी मैथ से कुछ नहीं है, इसको रफ कराऊंगा। ओके अब करना क्या है, इसको इधर ले आओ, इस टर्म को इधर ले आओ, ठीक है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ई नॉट सेल। अब ये वाला सेल कौन सा है? एनोड का है। ये वाला सेल कौन सा है? कैथोड का है, ठीक है। तो मैंने वैल्यू पुट की नहीं है आपके लिए, शुड पुट वैल्यू। अगर आप यहाँ कॉपर लिख रहे हो तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा सी यू टू प्लस सी यू, इधर भी सी यू टू प्लस सी यू, वेरी सॉरी, इधर भी जडन से जडन टू प्लस, इधर भी जडन से जडन टू प्लस। ये लिखना भूल गए थे, लिख देना आप। यहाँ पर क्या होगा, ये चेंज करना है, ई नॉट सी यू टू प्लस से सी यू माइनस ई नॉट जडन से जेडन टू प्लस। क्लियर? अब इस टर्म को उधर के जाना है, बचा क्या है? माइनस 0.059 अपॉन टू लॉग बेस 10 वन अपॉन सी यू टू प्लस का कंसेंट्रेशन प्लस 0.059 अपॉन टू लॉग बेस 10 वन अपॉन जेडन टू प्लस का कंसेंट्रेशन। अब मैं यहाँ से अगर 0.059 को कॉमन लेता हूँ इस पूरे टर्म से, मैं 0.05, अच्छा ये क्या होता है, ये क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू होता है, होता है। कैथोड में से एनोड माइनस करता है ना, तब क्या आता है आपका? ई नॉट सेल आता है, आता है ई नॉट सेल आता है, जब अपन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर कैथोड में से एनोड माइनस करते हैं तो, राइट। माइनस इधर क्या हो गया? 0.059 अपॉन टू मैंने बाहर ले लिया, राइट, माइनस बाहर लिया है, तो इधर क्या बचता है? लॉग बेस 10
वन अपॉन CO2+, यहां से इधर बनेगा माइनस लॉग बेस 10 वन अपॉन जिंक 2+, ठीक है, ये। अब लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी होता है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन टू, मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग बेस 10 वन अपॉन CO2+ ए अपॉन बी अपॉन लॉग बेस 10 वन अपॉन जिंक 2+, मैंने ये अपॉन बी कर दिया, ठीक है। इसको ऊपर लिया उल्टा कर दो, ई सेल क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग बेस, हाँ अब तो लॉग कॉमन रहेगा ना, लॉग बेस 10 है, ऊपर रहेगा जिंक 2+ का कंसेंट्रेशन अपॉन कॉपर 2+ का कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो ये बनती है आपके लास्ट फाइनली नॉन स्टिक क्वेश्चन, अगर आपने एक पूरा सेल को अटैच किया हुआ है तो, राइट। अगर यहाँ पर इनका जो कंसंट्रेशन बराबर रहता है, मान लो जिंक और कॉपर का कंसंट्रेशन बराबर रहता है, 1 मोल 1 मोल लिया आपने, उस कंडीशन में ई नॉट सेल ई सेल के बराबर रहेगा, ठीक है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ टेलन 2+ इक्वल टू CO2+, देन ई सेल वो बराबर है किसके, ई नॉट सेल के, क्लियर। अच्छा तो इतना उतारो, पूरी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया पूरा मैंने, राइट। चलो तो ये तो हो गया आपके नॉन स्टिक क्वेश्चन के बारे में पूरा। अब कोई भी ऐसा कोई सेल है, रिएक्शन हो रही है, उसके लिए आपको नॉन स्टिक क्वेश्चन लिख सकते, कोई अपन एक रिएक्शन लेते हैं फॉर एनी रिएक्शन, सपोज ए, ये ए हो रही है, ठीक है, प्लस बी गिव राइज देन सी की सी कंसंट्रेशन और डी का डी कंसंट्रेशन है, ठीक है, कोई ऐसी क्वेश्चन, इसके लिए आपको नॉन स्टिक क्वेश्चन लिखनी है। क्या करते हैं आप, जो भी होती है अपन उस तरफ लास्ट में क्या ले रहा है, एक तरह से कंसंट्रेशन ले रहा है ना, तो फॉर एनी रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.05 n/2, सॉरी 2 नहीं होगा यहाँ पर, एन होगा, ठीक है, हाँ, लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ सी और डी कंसंट्रेशन अपॉन ए कंसंट्रेशन और बी कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये किसी भी रिएक्शन के लिए आप एक नॉन स्टिक क्वेश्चन लगा सकते हो, क्लियर। अच्छा अब एक कंडीशन है, इफ ये रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, यानी कि जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की है वो क्यों कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है, इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन इक्विलिब्रियम, दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, ठीक है। इट इट मीन्स इनका रेशियो क्या होगा, सी का रेशियो डी कंसंट्रेशन, या मैं स्मॉल डी लिख रहा हूं, अपॉन ए कंसंट्रेशन और बी कंसंट्रेशन, ये क्या होता है, इजिकल टू केसी बोलते हैं इसको, क्लास 11 में पढ़ रखा आपने, ठीक है, द रेशियो ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। कुल मिला के ये पूरा टर्म्स क्या बन सकता है अपना, कैसे बन सकता है, राइट। इन दैट केस सो ई सेल ई नॉट सेल
-0.059 अपॉन, ये एन फैक्टर है, एन लॉग बेस 10 के सी हो सकता है। तो यहाँ पर के सी पूछे थे क्या है? हम के सी की वैल्यू निकाल सकते हैं आपसे, है ना? यहाँ से के सी की वैल्यू क्या होगी, पॉसिबल है? इस टर्म्स को उठा उठा के इधर ले आओ, इस सेल इज इक्वल टू, ऐसे कैसी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ पहले एक सोचो, अगर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है तो ई सेल पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। अगर दोनों की जो कंसंट्रेशन है रिएक्टिंग प्रोडक्ट की वो क्या आ गया, आपस में एकदम इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, इन दैट केस इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन इक्विलिब्रियम, देन ये पूरा जीरो हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, राइट। तो अब इसको उधर लो, इसको उधर लो, इसको उधर लो, एक बार अब तो इससे बहुत ईजी है। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 के सी। अब यहाँ से कैसे निकल सकता है, ठीक है, तो कैसे निकाल लो, कुछ नहीं है, के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टर्म दोनों नीचे आ जाएंगे और ये ऊपर आ जाएगा, ई नॉट सेल मल्टीपल एन अपॉन 0.059 लॉग बेस 10, सही लिखा मैंने, ई सेल लॉग, अच्छा ये सॉरी ये टर्म पूरा एक है ना, क्या दिमाग चल रहा है मेरा अब, ठीक है, ये पूरा लॉग बेस 10 की वैल्यू है। ये बनती है आपकी इक्वेशन, के सी और ई नॉट सेल में क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन फाइनली आपको याद रखनी है, इसके बेस पर क्वेश्चन आता है, राइट। तो जितना कॉन्सेप्ट में पूरा हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में इतना उसके डीपली कॉन्सेप्ट हो चुका है, अगर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, राइट, रिलेटेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छे से पहले इसको आप तैयार करें, प्रिपेयर करें, अपन कुछ नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स भी लेंगे इसके रिलेटेड, ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करें। थैंक यू, हैव गुड डे।